नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूरज कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओटीटी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओटीटी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिडनी प्लस ओ स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहाँ वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नत रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटो स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहाँ वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लीवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटो स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का, का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहाँ वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे जैसे कि अनिल कपूर अरशद वारसी अजय देवगने जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला, तो वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ डी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस फोटो स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ओ स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से 50 करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और ए अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंततः कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको काफी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटो स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑट स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे जैसे कि अनिल कपूर अरशद वारसी अजय देवगन, जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओडीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस फोटो स्टॉल पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एंजॉय कर, कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटो स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और ए अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंततः कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ डी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटो स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटि स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी का ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये तो मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑट स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का, का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नत रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज, आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरशद वारसी अजय देवगन, जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा, सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 80 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम का काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओडीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटो स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस फोटो स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑटो स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिज्नी प्लस फोटो स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से 50 करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और ए, अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटो स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटो स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नत रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जय दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटो स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटि स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का, का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदी भाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओडीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटि स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटो स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटो स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ओ स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहाँ वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नत रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंत कार को एक खड़ी डलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरशद वारसी अजय देवगने जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ डी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस फोट स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटि स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से 50 करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक के परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और ए अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक एक फायर विगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतजार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरशद वारसी अजय देवगन, जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 80 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस फोट स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से 50 करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक के परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतजार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी पी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेट प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑट स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का, का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहाँ वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉमेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लीवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर, जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटो स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप, <coughs> आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहाँ वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर ये कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर, तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओटीटी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटू स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अद इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहाँ वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल धमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरशद वारसी अजय देवगन, जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पीतोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओडीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओडीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिगनी प्लस फोट स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जॉनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से 50 करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों दो अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर जय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ऑडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ऑडी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर, जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटू स्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे <coughs> कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक एक फायर सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहाँ वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंतंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो टोटल दमाल मूवी के बारे में होने वाली है ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं और भी काफ़ी सारी इन्फॉमेशन इस मूवी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 फरवरी दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड एडवेंचर मूवी टोटल धमाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों इंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अनिल कपूर अरसद वारसी अजय देवगन जावेद जाफरी माधुरी दीक्षित बोमन ईरानी जोनी लिवर संजय मिश्रा सोनाक्षी सिन्हा ईशा गुप्ता पितोबस त्रिपाठी निहारिका राय जादा आदि और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर जय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को अस्सी परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे दस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओडीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओडीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटू स्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार तो जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों गुड्डू और उसके साथी जोनी ने पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह से पचास करोड़ रुपए का काला धन चुरा लिया जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथी पिंटू उन्हें धोखा देता है और पैसे लेकर भाग जाता है अविनाश और बिंदु एक एक परेशान जोड़ा है जो तलाक दाखिले करते हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए बहस करते रहते हैं लल्लन और झिंगूर साथी है और एक फायर ब्रिगेड सेवा में काम करते हैं जहां वे पहले उन लोगों को बचाने की सोचते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं जिस कारण उन्हें आग में फंसे एक घर से लोगों को बचाते समय दुर्घटना होने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है आदि और मानव को एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिलती है जहां वे गलती से पूरी गैलरी नष्ट कर देते हैं और मालिक की उन्नति रिमोट नियंत्रित कार से भाग जाते हैं इसी बीच पिंटू देश छोड़ने की योजना बनाता है लेकिन गुड्डू और जोनी उसे पकड़ लेते हैं गुड्डू और जोनी की कार खराब हो जाती है और वे दूसरी कार खोजने के लिए सड़क पर इंतज़ार करते हैं एक कार मिलने के बाद वे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं जो फिर उन्हें दोनों का पीछा करते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है और जब तक ट्रेन उसकी कार से टकराती है तो वे कमिश्नर से लगभग बच निकलते हैं फिर उन्हें एक उन्नत कार मिलती है जिसमें व्यंग्यात्मक चंदीभाषी जी सिस्टम होती है जो उन्हें गलती रास्ते पर ले जाता है और अंत कार को एक खड़ी ढलान से नीचे ले जाता है और कार को नष्ट कर देता है अंत में वे विमान में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वास्तव में एक स्काई ड्राइविंग ट्रिप पर जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी डिजनी प्लस होट स्टार पर देखने को मिल जाएगी आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत